आज तोंगड़ा अहीर में विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। जनसभा के मुख्य वक्ता केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह होंगे। साथ ही कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, जन स्वास्थ्य मंत्री बनवारी लाल कोसली के विधायक बिक्रम सिंह, नांगल चौधरी से विधायक अभय सिंह, नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव सहित कई और विधायक शिरकत करेंगे। इस विशाल जनसभा के आयोजन के लिए पिछले चार दिन से सैकड़ों मजदूर टेंट लगाने का काम कर रहे थे, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तैयारियां की गई हैं। रैली में आने वाले लोगों के लिए वाटरप्रूफ और भव्य टेंट का पंडाल बनाया गया है। बैठने के लिए पंडाल में कुर्सियां डाली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। पुलिस ने जनसभा स्थान का जायजा लिया। जनसभा को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता बड़े जोर शोर से लगे हुए हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लाइव कनीना से जुड़ गए हैं, बिजेंद्र कुमार। बिजेंद्र, कैसी तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ वहां पर, कितने लोग पहुंच चुके हैं, कोई नेता अभी तक वहां पर पहुंचे हैं? विजेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? विजेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? जनसभा की किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, कई बड़े नेता पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं अभी तक? कटकट की आवाज आ रही है। लगता है संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा है। दोबारा कोशिश करेंगे हमारे जो संवाददाता है उन तक पहुंचने की। जनसभा में कई बड़े नेता शिरकत करेंगे। राव इंद्रजीत सिंह होंगे, रामविलास शर्मा होंगे, कई और जगहों से विधायक पहुंचेंगे। दोंगड़ा अहीर में विशाल जनसभा का आयोजन होगा। जनसभा के मुख्य वक्ता के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पहुंचेंगे। साथ ही साथ कई बड़े नेता भी यहां पर शिरकत करेंगे, जिनमें से रामविलास शर्मा है, जन स्वास्थ्य मंत्री बनवारी लाल हैं, कोसली के विधायक विक्रम सिंह हैं, नांगल चौधरी के विधायक होंगे, नारनौल से विधायक होंगे, तो कई बड़े नेता यहां पर पहुंचने वाले हैं। एक विशाल जनसभा का आयोजन किया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम करने की बात प्रशासन की तरफ से कही जा रही है, पुलिस की तरफ से। कनीना में होनी है ये दोंगड़ा अहीर में। जन स्वास्थ्य मंत्री बनवारी लाल पहुंचेंगे, कोसली से विधायक पहुंचेंगे, कई और जगहों के विधायक भी यहां पर पहुंचेंगे। दोंगड़ा अहीर में विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल होंगे, तो वहीं शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा होंगे, जन स्वास्थ्य मंत्री भी होंगे बनवारी लाल, कोसली से विधायक विक्रम सिंह, नांगल चौधरी से विधायक अभय सिंह, नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव सहित कई और विधायक शिरकत करेंगे। लगातार इस विशाल जनसभा को लेकर तैयारियां की जा रही थी। चार दिन से टेंट लगाने का काम यहां पर सैकड़ों मजदूर कर रहे थे, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम के। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कनीना से लाइव जुड़ गए हैं, बिजेंद्र कुमार। बिजेंद्र, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, जो विशाल जनसभा होनी है, क्या जो नेता है वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं? देखिए, दोगड़ा अहीर में ये जनसभा रखी गई है और विशाल जनसभा रखी गई है, और राव इंद्रजीत करीब 12 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे, और लोग हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर रैली स्थल पर पहुंच रहे हैं, और सैकड़ों लोग अभी तक पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये रैली 2019 के चुनाव का आगाज इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई विधायक यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जो अहीर जो बाहुबल्य क्षेत्र है, ये पूरा ये जो बेल्ट है, ये अहीर बेल्ट है, और जो राव इंद्रजीत है यहाँ के कद्दावर नेता माने जाते हैं, और इनका
प्रभाव यहाँ पर लगातार देखा गया और कई दशक से सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। तो फिलहाल सबसे बड़ी बात है कि रैली 2019 का आगाज हो सकता है, तो 12 बजे के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा। जो लोग यहाँ पर इंद्रजीत को सुनने पहुंचे हैं, जो कुछ समस्या होगी आसपास के गांव की, जो समस्या है अलग अलग क्षेत्र की जो समस्या होगी वो अपनी समस्या रखेंगे और उसके बाद जो राव इंद्रजीत है वो जनसभा को संबोधित करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक तालमेल बनाने की कोशिश की जाएगी। जो उनकी समस्या है उनका निदान सरकार द्वारा किया जाएगा, जो सरकार की जो नीतियां हैं केंद्र सरकार की उनका बखान किया जाएगा। तो 12 बजे करीब राव इंद्रजीत यहां पर पहुंचेंगे, धीरे धीरे विधायक यहां पर पहुंचे और फिलहाल आप देख सकते हैं कि मंच पर अभी फिलहाल धीरे धीरे जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। एक विक्रम सिंह ठेकेदार हैं जो वो यहां पर पहुंचे विधायक, तो फिलहाल धीरे धीरे लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद पूरे रूप से जो मंच है वो भर जाएगा और राव इंद्रजीत करीब 12 बजे यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्हीं के साथ साथ सांसद धर्मवीर चौधरी भी यहाँ पहुंचने की उम्मीद है। जन स्वास्थ्य जो मंत्री है वो बनवारी लाल वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे, तो करीब 12 बजे के बाद जो पूरा जो मंच है वो भर जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं, ये अहीर बहुल्य क्षेत्र है और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग हैं वो राव इंद्रजीत का जो नेतृत्व है उसमें विश्वास रखते हैं और इसलिए वो यहाँ पर भारी मात्रा में ढोल नगाड़ों के साथ पहुंच रहे हैं और 2019 का चुनाव का जो आगाज है वो देखने को मिल सकता है। जी विजेंद्र, बात करें जनसभा, विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी खास इंतजाम यहाँ पर किए गए होंगे, तो कैसी कुछ तैयारियां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की गई है? देखिए मैं आपको बताऊं कि इससे पहले भी बादशाहपुर विधानसभा में राव इंद्रजीत ने एक रैली की थी, जनसभा की थी और वहां भी इस पर शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं कि लोग काफी मात्रा में काफी हुजूम वहां पर जो समर्थकों का था राव इंद्रजीत का वो पहुंचा था। तो यहां भी उम्मीद है करीब 20,000 लोग यहां पर पहुंचेंगे और राव इंद्रजीत को समर्थन देंगे, क्योंकि दक्षिण हरियाणा का जो रोल है वो हरियाणा की राजनीति में अहम रोल रखता है। तो जो दक्षिण हरियाणा से लगती हुई जो बेल्ट है, जो सीटें हैं, उसका प्रभाव दक्षिण हरियाणा की राजनीति पे, तो कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन आज किया जाना है जिससे कि जो सरकार है उस पर अपनी जो उनकी मांगे हैं वो वहां तक पहुंचाई जा सके। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विजेंद्र। अब नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास लौटते रहेंगे और भी तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। कनीना में आज विशाल जनसभा का आयोजन होना है, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पहुंचेंगे। अहीर बेल्ट है, दोंगड़ा अहीर में ये विशाल जनसभा का आयोजन हो रहा, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जा सकता है कि अहीर बेल्ट में अपने शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह। इसके अलावा कई बड़े नेता पहुंचेंगे, जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं अभी ताजा तस्वीरें हमने आपको दिखाई, हमारे संवाददाता विजेंद्र सिंह ने ताजा हाल वहां का आपको बताया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।